बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 8 तारीख है और मेरा मिलाद पाक का दिन है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत बरकत और ज़िंदगी दिया है। पिछले दिनों थोड़े दिन मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो आज मेरी तबीयत भी ठीक हुई है और मैंने मिलाद पाक के चावल भी तैयार कर लिए हैं, और बस मैं अब तलावत कुरान पाक करने लगी हूँ। तो इसके बाद फिर दुआ करेंगे और लंगर तकसीम करेंगे और आपको दिखाएंगे। अल्लाह ताला इस नेक काम की बरकत से आप सब के घरों में सुख सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ के लाल कशादा अता फरमाए, और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दें। अब मेरे साथ रहिएगा, अब मैं तलावत कुरान पाक करवाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमारी बच्ची तैयार है कुरान पाक की तलावत करने के लिए, तो अब हमारी बच्ची ने तलावत कुरान पाक पढ़नी है। बेटा शुरू करें। जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह। अभी आप मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैंने चावलों का दम लगाया था माशाल्लाह, अब मैं देखती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। मैंने आलू वाले चावल बनाए हैं माशाल्लाह, आज बहुत खूबसूरत चावल बने हैं। तो अब मैं आपको डिश आउट करके तो बताती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मेरी प्यारी सी प्लेट है और इसके अंदर मैंने डिश आउट करना है, और अब मैं आपको दुआ करके तो बताती हूँ, तो फिर बच्चों को लंगर तकसीम करती हूँ, ठीक है ना जी? तो ये मैं अभी आपको डिश आउट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये देखें जी, मैंने डिश आउट कर लिया, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत गर्म है, और ये मैं आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, एक एक दाना आप गिन लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये हमारे आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, ये देखें ना, ये खुद खुद टूट रहे हैं। इनको आधा घंटा मैंने दम लगाया था, अब मैं आपको चख के बताती हूँ कि ये बने कैसे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं आपको दुआ करने लगी हूँ, दुआ करके तो फिर मैं आपको आपसे अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ऐ मेरे मौला करीम, मेरे परवरदिगार, मेरे गफूरुल रहीम, मेरे कादर करीम अल्लाह, बेशक बेहिसाब ता करने वाले रब, बेशक बेहिसाब रिज़्क़ के लाल कशादा देने वाले रब, सुनने और जानने वाले रब, दुआओं को सुनकर कबूल फरमाने वाले रब, मेरी तमाम तार दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। या अल्लाह पाक, जितने भी मेरे यूट्यूबर वाले हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मुझे लाइक और शेयर कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुसीबतों परेशानियों दुखों को दूर करके रहमत का बसेरा करें, और अल्लाह ताला इनके घरों में सुख सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हज उमरा करने की तौफीक दे, नमाज पढ़ने की तौफीक दे, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दे। आपको पता है बेहतरीन इंसान कौन होते हैं? बेहतरीन इंसान वो होते हैं जो कुरान पाक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला हमको कुरान पाक पढ़ने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमको कुरान पाक पढ़ाने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। अल्लाह ताला मेरे तमाम यूट्यूब पर जितने भी जहाँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद करते हैं, मैं उनको अपनी दुआओं में याद करती हूँ, अल्लाह ताला उन पर फजल करम की बारिश करे, आमीन सुम आमीन। आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी नियामतों से नवाजे, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।